हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर गाइस। सो 21st वोकैबुलरी की वीडियो है ये। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम से पहले अगर आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स का कलेक्शन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग की सुविधा के लिए मैंने जो PDFs हैं वर्ड्स के, उसको मैंने गोल्डन करियर का जो वेबसाइट है उस वहाँ पे जो स्टडी मटेरियल पे जाके अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल जो है वोकैबुलरी का, ठीक है, PDF वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। अभी एक पार्ट वहाँ पे अपलोड किया गया है, 25 वर्ड्स का वो सेट है जिसमें सिनोनिम्स और सेंटेंसेस एग्जांपल के दोनों दिए हुए हैं। आज शाम को एक अपडेट और हो जाएगा, एक पार्ट और अपलोड हो जाएगा। तो मैं हर 2-3 दिन पे आपको 25 वर्ड्स के सेट्स प्रोवाइड करती रहूँगी। जो लोग खुद अब तक नोट्स नहीं बना रहे थे उनको ये बना बनाया नोट्स मिल जाएगा। आप चाहते हैं, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको फिर शायद खुद नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अभी अगर आप कर चुके हैं तो आप एक पेन और पेंसिल लेके तैयार रहिए ताकि आप नोट्स साथ में बनाते चलें और आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। आज का जो देखिए आपने टॉपिक जैसे देख ही लिया है, हम लोग वोट्स की शॉपिंग के बारे में बात करेंगे। शॉपिंग सबको अच्छी लगती है, हमको, आपको, सरकार को, तो शॉपिंग के बारे में आज थोड़ा आर्टिकल जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल पर अगर क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी जब भी हमारे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। As election eve budgets go, interim budget 2019-20 must rank as one of the most politically expedient ones this country has seen. अगर आप ओवरऑल जितने भी इलेक्शन से पहले बजट्स पेश किए गए हैं, बजट्स दिए गए हैं, अगर आप उनको ओवरऑल देखें, ठीक है, सेंटेंस का मतलब अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें जो 2019-20 का ये जो इंटरिम बजट है वो, उसके बारे में कहा जा रहा है इट रैंक्स एज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकली एक्सपीडियंट वंस, ठीक है। एक्सपीडियंट मतलब फ़ायदेमंद, ठीक है, पॉलिटिकली यानी राजनीतिक तरीके से सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो बजट है वो इसको, इस 1920 के बजट को देखा जा रहा है, देखा जा सकता है, ठीक है। हमारे देश ने ऐसा बजट देखा है, इसको मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली फायदेमंद बजट कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन ईव का मतलब होता है चुनाव से ठीक पहले। देखिए ईव मतलब होता है जैसे जस्ट पहले वाली रात, क्रिसमस ईव मतलब हो जाएगा 24 की शाम, 24 दिसंबर की शाम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब इलेक्शन को ऐसे इलेक्शन ईव अगर बोला जा रहा है तो इलेक्शन ईव का मतलब है इलेक्शन से ठीक पहले, ठीक है, एकदम आप जस्ट एक शाम के बारे में इसको नहीं, शाम की तरह इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पे इलेक्शन ईव का मतलब है इलेक्शन से पहले, ठीक है। एज इलेक्शन ईव बजट्स को, जैसे इलेक्शन ईव बजट्स के जो इलेक्शन से पहले जो बजट्स होते हैं उनका थोड़ा टेंडेंसी यही होता है, कुछ लुभावने ऐसी चीज दी जाएंगी ताकि उनको वोट्स जो है वो ज्यादा मिले, ठीक है। लेकिन ये वाला जो बजट है अगर आप पूरा हिस्ट्री देखें उसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद, जैसे सरकार को सबसे ज्यादा फायदा जिस चीज से पहुंचे वैसे इस मेजर्स उसमें दिए गए हैं, ऐसे टॉपिक्स जो हैं लिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखें तो शेडो ऑफ द जनरल इलेक्शन फॉल्स स्क्वेयरली ऑन द बजट प्रपोजल्स, ठीक है, मतलब जो इलेक्शन की जो छाया है, शेडो है, वो डायरेक्टली बजट प्रपोजल्स पे पड़ रही है, स्क्वेयरली, स्क्वेयरली यानी कि सीधे डायरेक्टली, ठीक है। किस पे पड़ रहा है ये जो इलेक्शन का असर है, छाया है, जो भी कहिए, ठीक है, शेडो जो है इलेक्शन का वो डायरेक्टली किस पे पड़ रहा है, स्क्वायरली किस पे पड़ रहा है, बजट प्रपोजल्स पे, ठीक है। बजट में जो चीजें इंक्लूड हुई हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो, ठीक है, स्क्वायरली मतलब होता है डायरेक्टली या फिर सीधे। विच आर एम्ड एट सीकिंग वोट्स इन द नेम ऑफ वेरियस स्कीम्स दैट रेन कैश ऑन बेनिफिशियरीज, ठीक है। ये जो बजट प्रपोजल्स है इनका एम क्या है, इनका टारगेट क्या है, सीकिंग वोट, ताकि वोट उनको मिल जाए, इन द नेम ऑफ वेरियस स्कीम्स, अलग अलग स्कीम्स के नाम पर, कैसे स्कीम्स हैं जो कि पैसे जो है बरसा रहे हैं लाभार्थियों पर यानी कि बेनिफिशियरीज पर, ठीक है। अगर हम आप बेनिफिशियरीज हैं तो हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा सरकार ने बोला है, ठीक है, इनडायरेक्टली।
आचार संहिता लागू होने से पहले यहाँ पे पैसों का वितरण कर दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडली अगर देखेंगे तो आपको ऐसा ही यहाँ पे फीलिंग आएगा, ठीक है। जब से कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जब से लागू हो जाएगा तो उसके बाद से तो ऐसे स्टेप सरकार ले नहीं सकती है, ठीक है। तो ये स्टेप्स पहले ही यहाँ पे ले लिया गया है, ठीक है। बेनिफिशियरीज मतलब जैसे आपको बताई दिया, लाभार्थी जिसको पैसा मिल जाएगा वो लाभार्थी हो जाएगा, वो बेनिफिशियरी हो जाएगा, ठीक है। वेदर द स्ट्रेटेजी विल वर्क एट द हस्टिंग्स रिमेन्स टू बी सीन, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी जो सरकार ने ली है, ये चुन हस्टिंग्स मतलब देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन सा है इस वर्ड में। देखिए अगर आप डायरेक्ट मीनिंग अगर इस तरह देखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि जैसे इलेक्शंस के टाइम स्पीच वगैरह जो दी जाती है, पॉलिटिकली मीटिंग्स जो किए जाते हैं अपने एकदम जो पोटेंशियल वोटर्स हैं उनको टारगेट करके कि इनके बारे में हम ऐसा ऐसा बोलेंगे तो हमें वोट्स मिल सकते हैं, उसको हम लोग हस्टिंग्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसको एक तरह से आप इलेक्शन यानी कि चुनाव के सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो ये जो उनका स्ट्रेटेजी है वो आने वाले इलेक्शन में काम करेगा या नहीं करेगा ये अभी भी देखना बाकी है। वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो स्टेप है इससे गवर्नमेंट को फायदा मिला या नहीं मिला, ठीक है। बट देयर इज नो डिनाइंग दैट अ लॉट ऑफ थॉट हैज गॉन इन टू आइडेंटिफाइंग एंड टारगेटिंग द सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस सोशल सेगमेंट्स दैट आर इन डिस्ट्रेस एंड अनहैप्पी विद द सेंटर फॉर अ वराइटी ऑफ रीजन्स, ठीक है। लेकिन इसको बट देयर इज नो डिनाइंग, ठीक है। डिनाइंग मतलब होता है देखिए नकार देना या फिर मुकर जाना या फिर किसी चीज को गलत ठहराना, ठीक है, डिनाइंग का मतलब है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बट देयर इज नो डिनाइंग, ठीक है। इसको मतलब हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि अ लॉट ऑफ थॉट हैज गॉन इनटू, काफी ज्यादा दिमाग लगा है, काफी ज्यादा सोचना पड़ा है इनटू आइडेंटिफाइंग एंड टारगेटिंग द सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। किस सेक्शन को टारगेट करना है, किस उस सेक्शन को पहचानने में काफी ज्यादा थॉट लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। कि कौन से ये जो पूरी सोसाइटी है हमारे इसमें हम कहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे, ऐसी कहाँ के कहाँ किस सेक्शन को फोकस करके हम ज्यादा स्कीम्स बनाएंगे जिससे हमें वोट्स जो है वो ज्यादा मिलने के चांसेस है, ठीक है। सेगमेंट्स दैट आर इन डिस्ट्रेस, ठीक है। डिस्ट्रेस मतलब होता है संकट, परेशानी, ठीक है, दुख में, ठीक है। तो जो सोशल सेगमेंट्स हैं, जो सोसाइटी के हमारे पार्ट्स हैं जो कि संकट में है, नाखुश है सरकार से, ठीक है, अलग अलग कारणों से, ठीक है, सबके अपने कारण है नाखुश रहने के, ठीक है। तो उसके हिसाब से काफी ज्यादा इसमें दिमाग लगाया गया है कि कौन से सेक्शन को हम लोग ज्यादा फोकस करके यहाँ पे स्कीम्स जो है वो लाए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आपको जो हमारा स्टडी मटेरियल है ना उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट वो उस लिंक पे क्लिक करके जो आपका पीडीएफ है, ठीक है, वो कैब का वो डाउनलोड कर सकते हैं। देयर इज एन इनकम सपोर्ट स्कीम्स फॉर द फार्मर हु आर रीलिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रियलाइजेशन ऑफ देयर क्रॉप्स एंड अ पेंशन स्कीम फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स अर्निंग अप टू 15,000 अ मंथ। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक इनकम सपोर्ट स्कीम जो है फार्मर्स के लिए लाया गया है, ठीक है। हु आर रीलिंग, ठीक है, रीलिंग मतलब देखिए लड़खड़ाना या फिर मतलब उभर ना पाना, ठीक है। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रियलाइजेशन ऑफ देयर क्रॉप, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ द क्रॉप ये जो चीज है, रियलाइजेशन ऑफ देयर क्रॉप्स का मतलब है ये जो उनका उपज है, उनका जो अनाज है उसका पैसे में कन्वर्ट होना, ठीक है। देखिए रियलाइजेशन मतलब होता है कन्वर्टिंग एन एसेट, जैसे यहाँ पे एसेट क्या है, किसान का क्रॉप इंटू कैश, ठीक है। ये जो क्रॉप जो है उनका कैश में बदलने वाला जो काम है, जो एक्शन है, वो डिक्लाइन हो रहा है, वो घट रहा है, ठीक है। जितना उनका क्रॉप्स से उनको जितनी कमाई होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, उनका क्रॉप्स वो घाटे में ही रह जा रहे हैं, ठीक है, उनको उतना पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। ये जो चीज हो रही है, इनका जो क्रॉप्स जो है पैसे में नहीं बदल पा रहा है, इसका जो असर हो रहा है, इम्पैक्ट मतलब असर, उस असर में
किसान जो है अभी भी दबा हुआ है, उससे उभर नहीं पाया है, ठीक है, अभी भी उससे जूझ रहा है, रीलिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रियलाइजेशन ऑफ द क्रॉप्स एंड अ पेंशन स्कीम फॉर द इनफॉर्मल वर्कर्स, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स अर्निंग अप, ठीक है, पेंशन स्कीम भी लॉन्च किया गया है वर्कर्स के लिए, जिसमें काफी सारी शर्तें हैं, ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्कर हैं आपको मिल जाएगा पेंशन, उसमें काफी सारी शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी तो ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो पेंशन है यहाँ पे, ठीक है। एक और बात देखिए, जैसे कभी भी बजट पेश जो होता है वो लागू होता है हमेशा 1 मार्च से, ठीक है, जैसे अभी पेश हुआ तो ये लागू हो जाएगा बजट 1 मार्च से, लेकिन किसानों के लिए क्या किया है यहाँ पे सरकार ने, किसान में बोला है कि आपको हम बैक डेट से आपके लिए हम ये चीज़, ये जो स्कीम है वो लागू कर रहे हैं लास्ट ईयर दिसंबर से, ठीक है, तो आपको आने वाले 2 महीने का, अब जैसे सालाना उनसे बोला, वैसे अगर आप देखा जाए तो मंथली 500 है, लेकिन वो हर मंथ 500 रुपीज नहीं मिलेगा उनको, साल में 3 बार 2000 रुपीज मिलेंगे, ठीक है, क्वार्टरली आपको वहां पे क्या मिल जा रहा है, क्वार्टरली नहीं सॉरी, हर 4 महीने पे उनको क्या मिल रहा है, 2000 रुपीज। और ये भी कह दिया है कि आने वाले 2 महीनों में ये पैसे जो किसानों के अकाउंट में है वो पहुंच जाएंगे, ठीक है, अगर आप का नियत साफ था, देखिए किसानों का फायदा होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बैक डेट में चीजें अप्लाई हो जा रही हैं, सारी स्कीम्स लागू हो जा रही हैं, तो इसी में खटकता है। देखिए अगर आप इतना ही ज्यादा किसान के लिए चिंतित थे तो आपके पास 5 साल था काम करने के लिए, आप बहुत सारे स्टेप्स मेजर्स ले सकते थे, ठीक है, आपने वो काम नहीं किया, अब आप क्या कह रहे हैं, आप किसान को डायरेक्ट इलेक्शन के जस्ट तुरंत पहले आप उसके अकाउंट में 2000 रुपए डाल दे रहे हैं और आप उसको रिमाइंड करा दे रहे हैं कि ठीक है भाई हमारा कमल का जो निशान है उसको याद रखना, उसको भूलना मत, ठीक है, इलेक्शन के जस्ट पहले आप उनको पैसे दे रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज तो रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपने जनवरी से 500 दे दिया, फरवरी में 500 दिया, अब मार्च में 500 दे रहे हैं, आप उनको एक साथ 2000 रुपए दे दे रहे हैं, अब उनको तो दिमाग में लगेगा कि हाँ इस 2000 रुपए से अगर हमने थोड़ा सा भी यूटिलाइज कर लिया है इलेक्शन के जस्ट पहले, हमने थोड़ा सा भी अगर वो 2000 रुपीज यूज किया है तो हमें ये तो मेरे दिमाग में रहेगा ही कि अरे आज अभी ये 2000 रुपए मेरे पास नहीं होते तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती, ठीक है, तो ये जो चालाकियां की गई हैं, हम आप कोई बेवकूफ नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ये किस वजह से किया गया, ना ही वो किसान बेवकूफ है, ठीक है, 500 पर मंथ में क्या करेगा किसान, अपने बच्चों को पढ़ाएगा या उसको खाना खिलाएगा या फिर खेत के लिए अपने बीज खरीदेगा, किसान क्या करेगा, 500 रुपए एक महीने में अगर 5 जन का भी परिवार है तो किसान उस पैसे से क्या कर लेगा, ठीक है, तो अब एक तरह से ये किस वजह से किया गया है ये सबको पता है, लेकिन आपके पास 5 ईयर्स का टाइम था, आपने उस टाइम कोई स्टेप्स नहीं लिए, किसान धूप में नंगे पैर कहाँ कहाँ से दूर दूर से चल के आ रहे हैं, वो अपनी बात बताना चाह रहे हैं आपको, उस टाइम तक किसान दिखाई नहीं दिए आपको, उस टाइम तक किसान सुनाई नहीं दिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे हुई नहीं, अब आप उनको लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन के 1-2 महीने पहले आप उनको कह रहे हैं कि हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, अभी हम आपको 2000 रुपए दे रहे हैं, आपको हर 4 महीने में 2000 रुपए देंगे ताकि आपके लिए कुछ फायदा हो, हमें नहीं लगता कि उनको 500 रुपए पर महीने से कोई फायदा होने वाला है, बहुत ही कम रकम है ये 5 जन का अगर परिवार भी अगर आप मान के चले, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, देर आर इनकम टैक्स कंसेशंस फॉर द मिडिल क्लास दैट हैव बीन केयरफुली फ्रेम्ड टू टारगेट द लोअर रंग, ठीक है, रंग मतलब होता है देखिए पायदान, ठीक है, एकदम निचले पायदान पे, अगर आप अगर एक सीढ़ी का एग्जांपल ले लें, ठीक है, अगर ये जो सीढ़ी ऐसे ऐसे ना, तो ये हर एक ये जो स्टेप है, ठीक है, जिसपे आप खड़े हो रहे हैं, ये हर एक पायदान ये क्या है, ये इसको रंग कहते हैं, ठीक है, इसको एक तरह से यूज किया गया सोसाइटी के टर्म्स में, ठीक है, किसी भी सिस्टम और किसी भी सोसाइटी में अगर ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लेवल्स हैं तो नीचे वाला जो लेवल है वो हो जाएगा लोअर रंग, ठीक है, निचला स्तर जो होता है, निचला पायदान होता है, ठीक है, तो वहां पे इनकम टैक्स, देखिए इनकम टैक्स कंसेशन दिया गया है मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए, ठीक है, कंसेशंस फॉर द मिडिल क्लास दैट हैव बीन केयरफुली फ्रेम्ड, ठीक है, आप उन मिडिल क्लास परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए नौकरियां तो आप इकट्ठी कर नहीं पाए, ठीक है, आप जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ा नहीं पाए, तो उनके फायदे के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे इनकम टैक्स में थोड़ी कंसेशंस और दे दी, बहुत अच्छा काम किया है जो भी, ठीक है, तो यहाँ पे लोअर रंग मतलब होता है जो निचला स्तर है किसी भी लेवल का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, सिस्टम का, जो लोअर हमारा मिडिल क्लास है उसके लिए टैक्स में कंसेशन दिया गया है। इसको बहुत लोग टैक्स स्लैब चेंज हो गया ऐसा करके सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, स्लैब सेम है,
जिसका जितना टैक्स बनता था उतना ही टैक्स बन रहा है, लेकिन आपको 5 लाख की इनकम तक में आपको छूट ज्यादा मिल गई है, ठीक है, रिबेट जो है वो आपको वहां पे ज्यादा मिल जा रही है, इसलिए आपके टैक्स जो है कुछ कुछ एक 5 लाख के इनकम तक का जो टैक्सेबल अमाउंट है उसमें आपका इतना वहां पे आपको टैक्स की बचत हो जा रही है, आपको रिबेट ज्यादा मिल रहा है, आपका टैक्स उतना ही बन रहा है जितना आप पहले देते थे, टैक्स उतना ही बनता है लेकिन अब आपको रिबेट ज्यादा मिल जा रही है, इसलिए आपका वो टैक्स जो है वो बच जा रहा है, ठीक है। व्हाइल दीज शॉप्स विल बेनिफिट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, द क्वेश्चन इज वेदर इट इज करेक्ट फॉर अ गवर्नमेंट दैट विल बी इन पावर फॉर लेस देन 2 मंथ्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टू राइट इन टू द स्टैच्यू बुक्स प्रपोजल्स दैट आर परमानेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो सॉप्स, सॉप्स मतलब देखिए यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, सॉप्स मतलब होता है देखिए एक तरह का घूस, ठीक है, अभी पूरा सुन लीजिए, घूस, लेकिन जो अगर आप ओवरऑल देखें तो वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है, ठीक है, ज्यादा वैल्यू वाली चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आप लोगों को दे रहे हैं उनको लुभाने के लिए। सॉप्स मतलब बेसिकली ये होता है थिंग्स ऑफ नॉट ग्रेट वैल्यू, ठीक है, ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है लेकिन आप फिर भी आप उसको लोगों को दे रहे हैं ताकि आप उनको लुभा सकें, उनको मना सकें, ठीक है, ऐसी चीज एक तरह से घूस ही, घूस भी इसका सिनोनिम है, ब्राइब है, ठीक है, सिनोनिम्स में आता है सॉप्स के ब्राइब। अब देखिए जब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कहीं ना किसी सेक्शन को, पॉपुलेशन को फायदा जरूर पहुंचाएगा, ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि एक गवर्नमेंट, ठीक है, जो अब सिर्फ 2 महीने, ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसके सिर्फ 2 महीने अभी सरकार उनकी है, ठीक है, अभी गारंटी तो नहीं है कि आप नेक्स्ट सरकार में भी आ ही रहे, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, तो क्या उनके लिए ये चीज सही हुई है कि स्टैच्यू बुक जो है, लॉ बुक जो है, हमारी कानून की किताबें जिसमें सब चीजें सारी ऑफिशियली रिकॉर्ड होती हैं, लिखी जा रही हैं, वहां पे आप ये सारे प्रपोजल्स परमानेंटली लिख दे रहे हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट सरकार आएगी ये उसका सरदर्द बनेगा कि पिछली सरकार ने तो बोल के गया है, पिछली सरकार ने बोला है, उसने लिख रखा है, अब ये सब तो हमें करना पड़ेगा, अब ये सरकार एक तरह से ये सेम ये सारी चीजें दूसरी सरकार पे थोप दे रही है, उनका पहले से खर्चा जो है एक तरह से बना के रख रही है, ठीक है, कि अगर हम नहीं तो उनको तो पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। इन पॉलिटिकल टर्म्स द स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी फॉल्टेड एज इट अपियर्स टू हैव पुट द अपोजिशन इन अ डिफिकल्ट स्पॉट, ठीक है, अगर आप इसको राजनीतिक तरीके से देखें तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये गलत नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी फॉल्टेड, ठीक है, एज इट अपियर्स टू हैव पुट द अपोजिशन इन अ डिफिकल्ट स्पॉट, क्योंकि इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि जो अपोजिशन है, ठीक है, उसको उन्होंने एक थोड़ी सी मुश्किल सी जगह में डाल दिया है, ठीक है, कैसे मुश्किल हो गया है देखिए, प्रोटेस्टिंग टू मच अबाउट द कंसेशंस गिवन टू दोज इन डिस्ट्रेस मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है, अगर जो अपोजिशन है अगर वो इसके खिलाफ ये जो कंसेशंस दिए गए हैं, टैक्स में कंसेशंस दिए गए हैं किसानों को, अब जो 6,000 रुपए दे रही है सरकार, ठीक है, ये जो अमाउंट है, अगर आप ये जो कंसेशंस है इसके अगेंस्ट अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, अगर ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करती है तो जो लोग परेशानी में उनको लगेगा देखो सरकार ये ले दे के हमारा भला कर रही है, तो ये ऑपोजिशन इनके खिलाफ में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो ऑपोजिशन है अगर ये अब ये अगर खुद सरकार में आ जाएगी ऑपोजिशन फिर तो हमारा कोई फायदा नहीं करेगी, तो लोग उसके अगेंस्ट वोट देंगे कि नहीं ये जो जो सरकार है वही हमारी अच्छी है, ठीक है, ना ही आप इस ऑपोजिशन ना ही इस कंसेशन की तारीफ कर सकता है, ये भी नहीं कह सकता है नहीं बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बहुत बढ़िया काम किया है, तो भी हो जाएगा कि वो दूसरी पार्टी को प्रमोट कर रही है, ले दे के फंसी है ऑपोजिशन, ठीक है, लेकिन अगर इसकी बुराई करे, इसका प्रोटेस्ट करे, ठीक है, इसके अगेंस्ट कुछ बोले तो ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, यानी कि उनके लिए उल्टा रिजल्ट दे सकता है, उल्टी उनकी अगर प्रोटेस्ट करते तो परिणाम उनके खिलाफ जा सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब उनके खिलाफ जाना, रिवर्स हो जाना, ठीक है, वो जैसा चाहते हैं उसके अगेंस्ट होना। द सेंटर विल मिस द ग्लाइड पाथ फॉर रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट येट अगेन, ठीक है, ये ग्लाइड पाथ होता है, देखिए ऐसे तो अगर देखा जाए ये उड़ान भरने वाला रास्ता ऐसा नहीं है, लेकिन ग्लाइड पाथ मतलब होता है कि ऐसा इवेंट, ऐसी घटनाएं जिससे कोई आपको रिजल्ट मिले स्मूथली, अगर आप जैसे मान लीजिए ये सब चीजें ना करती सरकार, ठीक है, तो क्या होता कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो डायरेक्टली कम होता, क्योंकि सरकार दावे कर रही थी कि टैक्स जो है ज्यादा आए हैं, टैक्स पेयर्स बढ़ गए हैं,
ठीक है, तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो सकता था, ठीक है, लेकिन अब सरकार ने ये सारे वादे कर दिए हैं, इन सारी चीजों में इन्वेस्ट कर रही है, तो अब फिस्कल डेफिसिट जो है वो फिर से, अब ये हमको जो कम करने का जो टारगेट था सरकार का वो फिर से मिस हो जाएगा, ठीक है। द एस्टिमेटेड स्लिपेज ऑफ 0.1 परसेंटेज पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट इफ वी अज्यूम दैट द कंसेशंस विल स्पर स्पेंडिंग बाय द बेनिफिशियरीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो फिजिकल डेफिसिट में ये जो 0.1 परसेंट का, ठीक है, 0.10 परसेंट पॉइंट का जो यहाँ पे स्लिपेज हो रहा है, जो खिसक रही है 0.1 परसेंट, ठीक है, अगर इसको हम ऐसा मान लें कि जो कंसेशन सरकार ने दिए हैं, ठीक है, इट विल स्पर स्पेंडिंग बाय द बेनिफिशरीज। स्पर मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, ठीक है। तो बेनिफिशरीज जो है इसके, जो जिनको लाभ मिल रहा है इन सारे कंसेशंस का, इन सारे स्कीम्स का, अगर वो खर्चे थोड़े ज्यादा बढ़ा दे, ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, तो ये जो इनका फिजिकल डेफिसिट का जो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है वो उसमें इतना ज्यादा वो मैटर नहीं करेगा, इतना सिग्निफिकेंट या इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये देखे इस आर्टिकल का यही हमारा अगर हम लोग देखें एसेंस यही निकलता है कि जॉब्स अभी भी नहीं है हमारे पास, किसान को शायद एपरेंटली मतलब देखने से लग रहा है शायद कुछ फायदा हो गया हो, मिडिल क्लास जो है उनको अगर टैक्स के हिसाब से देखा जाए तो उनको काफी फायदा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर जो हम हमारी जो यंग जनरेशन है, हम लोग के लिए अगर थोड़ा सा और थोड़ा सीरियसली सोच के, थोड़ा सा जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में थोड़ा सा अगर सरकार सोच लेती, एग्जाम्स जो है अगर रेगुलर कंडक्ट करा पाती तो बहुत अच्छा होता। जो जिस डिपार्टमेंट का जो काम है, जितना वहाँ पे वैकेंसी है, अगर सब कुछ भर दे, अब ऐसा नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट का काम कुछ है आप उन पे, अब वो ऑलरेडी आपके सरकारी नौकर हैं तो आप उन पे दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी काम डालते जा रहे हैं, आपका काम तो चलता जा रहा है इसीलिए आप और लोगों को ले नहीं रहे, तो ऐसा ना करके थोड़ा सीरियसली देखा जाए कि हाँ सरकार में जितनी पोस्ट खाली है उनको भरिए, जॉब दिलाइए, भाई हम लोग काम करेंगे, ऐसे थोड़ी है हम लोग, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एड्स पे क्लिक कर दीजिएगा अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं हमारा स्टडी मटेरियल। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर इस स्कीम से आपको फायदा मिला तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमारे लिए फिर से कोई ना कोई स्कीम्स आ ही जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।